जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या परेशानी के लिए आप आए थे, और अपना एड्रेस बताइए। मेरा नाम हरिओम प्रसाद हुआ। जी, मेरा दामाद बहुत पीछे थे, इकलौता वो अपने पिता के पुत्र थे, रेलवे ड्राइवर का। और जोर से और बोलिएगा। रेलवे, उनके पिताजी रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर थे, और जी वो बड़ा दूर दूर से राजधानी ट्रेन चला के रिटायर हुए थे। और वो इकलौता पुत्र होने के चलते बहुत बड़ा नशा करते थे, हीरोइन चरस, और दिन भर में 4 बार 5 बार हीरोइन पीते थे, चरस भी पीते थे। सारा चीज गांजा, हीरोइन, चरस, शराब सब पीते थे। और घर से खा के जाते थे, खाने खाने के लिए आते थे। और ऐसा हो गया कि किसी को नहीं पहचानते थे, उनकी माँ मर गई थी और पी के नशा में मुक्त थे। तब हम आए यहाँ विश्व रतन आयुर्वेद हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब से मिल के हमको पता मिला, तो यहाँ से दवा लेके गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बताए कौन थे? यहाँ पर हमको एक पादरी साहब बताए थे, नंद जी, तो अच्छा, हमको अच्छा लगा। यहाँ का हर चीज़ एलोपैथ के तो उपचार हम करते थे, लेकिन आयुर्वेद के बारे में जानते थे कि इसी तरह है, लोग झोला छाप थे, लेकिन कोई डॉक्टर हमको नहीं दिखाई दे रहा था। पहला बार हमने देखा कि MD गोल्ड मेडलिस्ट शिवराज कुमार जी यहाँ के एक अच्छा अधिकारी के रूप में, बहुत सारे वैद्य के लीडर के रूप में, टीचर के रूप में हमको मिले, और विश्वास हुआ। और 15 दिन तक हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि अच्छा फेल कर गया। अच्छा, 3200 रुपया हमको चला गया। अच्छा, आज ना हम पत्नी से पैसा मांगने वाले हैं, ना बेटी से। हाँ, कैसे कैसे पैसा पैसा व्यवस्था लाए थे करते। कहाँ से आप ही पहले बताइए। पहला पैसा तो हम लाए थे अपने चाची से मांग के, थी बताइए हम, बेचारे हमको पैसा कमा के तुमको दे देंगे, कोई सूद पर भी नहीं देना चाहता है। अच्छा, तो चाची हमको दी कि दम आपके बात है, ले जाओ भैया, भूगतिया दे देना। तो हमको 3200 रुपया लग गया। उधर जाने आने में 1 किलो मिठाई के दिन दाम हो जाता है 350। अच्छा, भाड़ा लग जाता है 200। अच्छा, अभी बिल्कुल कैसा है वो? अभी तो बिल्कुल वो सही हो गए, धीरे धीरे उनको ज़्यादा समस्या रहा था चक्कर टाइप के पीने के छोड़ने के बाद। अच्छा, अब वो भोजन भी धीरे धीरे अच्छा होने लगा, और चक्कर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा, अब लग रहा है कि उनको कोई समस्या न रह गया है, डेली न्यूज लेते हैं। अच्छा, लेकिन 15 दिन बहुत बड़ा रात था सर, अच्छा, जब उस दवाई का वैल्यू लग रहा था कि कुछ है ये नहीं। अच्छा, और उसने एक दिन डॉक्टर साहब दवाई भी बंद कर दिए थे कि उसका कहीं कट गया है, चोट लग गया है, तो अंग्रेजी दवाई चल रहा है तीन। ये और सिर दर्द हो गया कि 2 दिन बंद हो जाएगा तो 4 दिन और उसका असर भाग जाएगा। तो कितना परसेंट उनको आराम है अभी? अभी 100% आराम है। और अच्छा, दवा अच्छा। का असर या नशा का असर जो है 2-4-5% तो हो सकता है, खाना पीना या पीछे के भाग में यहाँ पर बोल रहे थे कि गर्द है। अच्छा, उनको जाके 3-4 बार हम निरीक्षण किए थे कि क्या पोजिशन चल रहा है। जी जी, नया नया चीज़ हमें इलाज के रूप में लिए हैं, अगर साइड इफेक्ट हो जाएगा तो ना। ना, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप निगरानी रखते रहिएगा, आप लोगों को भी ध्यान में रखते हुए। इसका साइड इफेक्ट ना है, और ये बहुत अच्छा चीज़ है। एलोपैथ से तो खैर बहुत दूर की बात है, जड़ी बूटी सारा चीज़ बनाते हैं हमारे साहब, हमने देखा कि हमको भी दिए। आप लोगों को बारे में क्या बताना चाहते हैं नशा मुक्त के बारे में? जो लोग नशा करते हैं उनका परिवार कैसे बिखरता है, तो आप खुद अच्छे तरीके से जाने। ये तो हम 99% देख रहे हैं सर कि जाति लड़ाई अलग है, लेकिन गरीबी अमीरी में लगता है कि 75-80-90% लोग गरीब हैं। अगर उन लोगों के यहाँ नशा का लत जो है संगति से और सेवन से ये आयुर्वेद का छूट जाए, तो वे धनी बन सकते हैं, उनके परिवार। चरस मतलब ये लाते कहाँ से थे वो चरस? वो तो माफिया लोगों का काम है, रोड टू रोड पहुँचा। 100 रुपया के 50 रुपया की मिल जाता होगा डेली? नहीं सर, 400-500 रुपया के एक खुराक आता है। अरे बाप, कितना खुराक देते हैं। का पिताजी को 60,000 रुपया पेंशन मिलता है, 65,000, और उनके किराया मिलता है, जैक्सन पर गया मकान है उनका, और सारा पैसा में बाजार करने के लिए जाते हैं, उनका मोबाइल से पैसा निकाल के डेली उनका 1,000 रुपया निकाल लेना था। बताइए, चलिए सर, अपने खाना है पीना है और उनको भी पिलाना था।